है हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स राम राम दोस्तों मेरा नाम है सचिन दुहन और फिलहाल मैं एडलेड ऑस्ट्रेलिया से आप सभी से बात कर रहा हूं और इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल देखा है हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था जब मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे किसी को मिली है और वो भी शी गॉट इट आई थिंक इट इज वॉज फॉर बैचलर ऑफ नर्सिंग बट आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट इट बट ये हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलती है बट इट इज़ फॉर सेलेक्टेड पीपल ओनली आज उसके ऊपर बात करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में कैसे मिल सकती है किसको मिल सकती है और किस कोर्स में मिल सकती है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ किस यूनिवर्सिटी में है ये स्कॉलरशिप ये है लाटरोब यूनिवर्सिटी में जो कि विक्टोरिया में है इनके दो तीन कैंपसेज हैं उनके ऊपर भी बात करें कहाँ कहाँ पर है और ये कितनी परसेंट मिलती है दैट्स हंड्रेड इस स्कॉलरशिप का नाम है वाइस चांसलर स्कॉलरशिप और ये इंडिया या श्रीलंका के सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के लिए होती है सो so, इसकी अमाउंट अगर मैं देखता हूँ वेबसाइट से बता रहा हूँ आपको सारा पढ़ के जो लाल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा टोटल अमाउंट ऑफ द फीस इज हंड्रेड परसेंट डिडक्शन ऑफ एनुअल ट्यूशन फीस जितनी भी आपकी फ़ीस होगी उस सब की आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी थ्रू दिस ओपनिंग डेट्स हैं इसकी नाइन्थ ऑफ एट्थ ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी 2022, टू so, सो ये इस ईयर के लिए है इट वुल बी आई ब्रिटिश और अगले साल भी आ सकती है बट इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई राइट नाउ फॉर दिस, ऑगस्ट में है ऑगस्ट के अभी एक दो महीने बाकी हैं, सो ट्राई दिस तो पहला क्वेश्चन आता है हु इज इट फॉर किसके लिए है ये स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट्स फ्यूचर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कोई भी अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स करने आ रहे हो तो यहाँ आकर आप ही हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप जरूर से ज़रूर ले सकते हो इफ़ यू हैव आर फिटिंग टू द क्राइटेरिया वेर इज इट अवेलेबल किस किस आई वुड से कैंपस में अवेलेबल है ये मेलबर्न एलबरी वोडोंगा बेंडिगो, सिटी मिल्डुरा, सेफवर्टन ये सारे कैंपस हैं जो लाटर के वहाँ वहाँ आपको ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है हाउ इज इट पेड दिस स्कॉलरशिप विल बी पेड टू योर टूशन फी फॉर द एन्टायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जितनी भी आपकी टूशन फीस है एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स द स्कॉलरशिप विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी सेमेस्टर जैसे जब भी आप पढ़ते हो तो आपके पास एक स्टेटमेंट आती है कि आपके अगले साल की अगले सेमेस्टर की फीस है या आपने इस साल इस सेमेस्टर की फ़ीस पे की है तो वहाँ पर क्लियरली लिखा होगा कि आपकी हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप है प्लीज़ नोट दैट द फेलियर टू मीट द स्कॉलरशिप टर्म्स एंड कंडीशन में रिजल्ट इन द विड्रोवल ऑफ द स्कॉलरशिप द स्टूडेंट मस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ ओ एस एच सी पॉलिसी अगर आप जैसे क्या होता है आप अगर कोई भी स्कॉलरशिप ले रहे हो चाहे हंड्रेड परसेंट है चाहे पंद्रह परसेंट है अगर आप उस मैंटेन उसे मैंटेन नहीं करते उस परफॉर्मेंस को तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो जाती है और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो ओ एस एच सी होता है ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर जब पास इंश्योरेंस लगा लो वो आपको लेना ही होता है इस, इस उसकी फीस दो साल दो साल की अराउंड पंद्रह सौ डॉलर है मैक्सिमम आई थिंक अब बात करते हैं आर यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस यू मस्ट बी ए सिटीजन और अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया और श्रीलंका ये सिर्फ दो कंट्रीज़ के लिए है बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री ये एक पॉइंट है जो लोग कहते हैं कि हम एल एल कोर्स करके आ जाते हैं ये उनके लिए नहीं है यू शुड हैव योर एग्जैक्ट बैंड स्कोर वॉट इज रिक्वायर्ड इन दैट कोर्स और नेक्स्ट है इसमें अभी जो कुछ टिपिकल कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे कि, कि किस किस कोर्स में है ये आपकी स्कॉलरशिप पहले हम बात कर लेते हैं कैसे आप एलिजिबल हो गए बी ए फुली पेइंग स्टूडेंट नॉन स्पॉन्सर्ड कोई कहीं से भी आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है जैसे कोई भी कंपनी होती है या कोई भी आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं कर रही है, आप खुद आपकी फैमिली ही पूरी फीस अगर पे कर रही है तो यू आर एलिजिबल फॉर इट अगला है हैव एन ओवरऑल डब्ल्यू एम ए क्यू एफ इक्वलेंट ऑफ एट्टी परसेंट और अबव जो भी आपने पढ़ाई की अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो आपकी बैचुलर में एट्टी परसेंट अबव होनी चाहिए अगर आप बैचुलर्स करने आ रहे हो तो आपके ट्वेल्थ में जो भी आपके इससे पहले की स्टडी है उसमें आपका एट्टी परसेंट होना चाहिए और अगरली है मीट ऑल द कंडीशन इन द ऑफर लेटर बाय द डेडलाइन प्रोवाइडेड जो भी आपके ऑफर लेटर में कंडीशंस होती हैं जैसे सेवन इंच का स्कोर है नर्सिंग के लिए या कोई डॉक्यूमेंट है वो ये सारी अगर आप ऑफर लेटर की सारी सारी कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर इट रेसिपेंट्स ऑफ द स्कॉलरशिप शाल बी सेलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन किस चीज़ पर आप सेलेक्ट होगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाई a सेलेक्शन पैनल एट लाटरोब International and be assessed on the basis of एक पूरा पैनल बैठता है दोस्तों हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप लगा लो आपकी नाइन्टी थाउजेंड फीस नाइन्टी थाउजेंड डॉलर्स है वो सारी की सारी अगर यूनिवर्सिटी दे रही है देल बी चेकिंग यू केयरफुली गाइस आई एम प्र श्योर काफी लोग होते हैं जिनको मिलती है जैसे अभी मुझे पता चला था एक लड़की को बी एस सी नर्सिंग ही था शायद जिसमें उसे पूरी की पूरी हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिली तो मैंने पता किया उनसे कौन सी यूनिवर्सिटी है कैसे मिली तो उन्होंने मुझे बताया इस यूनिवर्सिटी से मिली है तो मैंने सर्च किया और मुझे पता चला आज ही अभी पता चला कि हंड्रेड स्कॉलरशिप मिल सकती है तो मुझे लगा कि क्यों ना आप सभी से ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए तो उसमें क्या होता है वो किस बेसिस के ऊपर आपको सिलेक्ट करते हैं ओवरऑल आपके जो डब्ल्यू जो नंबर है डब्ल्यू क्या है उसके ऊपर भी आगे थोड़ा सा बताया गया है वो भी आपसे शेयर करेंगे जो भी आपके नंबर है आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है कैसे रहे हैं आपके प्रीवियस कोर्स आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसे रहे हो या आप सोशल एक्टिविटीज़ में कैसे हो आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स में यह भी होता है कि अगर आपका जो इंग्लिश स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है काफ़ी अच्छा है एंड दिस कैन बी अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू अब रेसिपेंट की ऑब्लिगेशंस क्या है अगर आप वो स्कॉलरशिप ले रहे हो मेंटेन अ फुल टाइम एनरोलमेंट इन वन ऑफ द लाट्रोब यूनिवर्सिटी कैंपस इन ऑस्ट्रेलिया एंड सेटिसफैक्ट्री अकेडमिक प्रोसेस ड्यूरिंग द स्टडी अब क्या होता है कभी कभार आप बीच में अभी आपने पढ़ाई करी है और आप बीच में छोड़ देते हो दस नॉट हाउ इट विल बी वर्किंग यू हैव टू बी अ फुल टाइम स्टूडेंट एंड यू हैव टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्ट्री अकेडमिक प्रोग्रेस हर आपको सेमेस्टर में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा प्लीज़ रेफर टू टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडेड इन द ऑफर लेटर ऑफर लेटर की जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हो तो प्लीज उसे जरूर ध्यान से पढ़ें द स्कॉलरशिप अवार्ड रेसिपेंट मस्ट बी विलिंग टू बी इंटरनेशनल स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर लाट्रॉप यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड अब क्या होता है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं होते हैं उनके क्लब्स होते हैं उनकी यूनियंस होती हैं उनमें आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट बन का एम्बेसडर बनना होगा फ्रॉम लाट्रॉप यूनिवर्सिटी हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेंट मस्ट सबमिट अ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर द कोर्स कमेंसमेंट इन सेमेस्टर वन मार्च सेमेस्टर टू जुलाई और समर वन नवम्बर इनटेक ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू और एट लाटरोब यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो आप वेबसाइट पर जाओगे आपको क्लियर क्लियर दिखेगा कब कब आप अप्लाई कर सकते हो अब आगे देखते हैं अब आप लोग ये भी सोच रहे हो तो पढ़ के बता रहा है दोस्तों मुझे अभी पता चला है सो आई थॉट की वाई डोंट आई टेल इट ट्राइड नाउ मैं आपको बिना पढ़े बताने से अच्छा मैं आपको जो इसमें लिखा है एक्जैक्टली exactly वो सब बता रहा हूँ आपको साथ में लिंक भी दूंगा आप उसे भी देख के आप खुद भी पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन क्या क्या हैं वो डिटेल्स रेज्यूमे आप पूरा अपना रेज्यूमे बना के देंगे उसमें फ़ोर टू फाइव मिनट्स वीडियो रिकॉर्डिंग आंसरिंग द बिलो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आपको एक वीडियो में रिकॉर्ड करने के देने होंगे उसका पहला है वाई शुड यू बी सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप वाई यू हैव चोजन लाटरॉ यूनिवर्सिटी वट आर योर करियर गोल्स हाउ वुड यू लाइक टू मेक अ डिफ्रेंस टू द वर्ल्ड और कम्युनिटी यूजिंग दिस क्वालिफिकेशन जैसे अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आप नर्सिंग में कैसे करोगे कैसे क्या आप चेंज ला सकते हो उससे तो क्या होगा आप ये सब अप्लाई करोगे फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं दे मे बी इन्वाइटेड फॉर एन इंटरव्यू फिर आपका इंटरव्यू होगा एंड देन यू विल बी गोइंग अहेड इन द प्रोसेस एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर सेमेस्टर वन टू और सेमेस्टर वन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी विल बी कंसिडर्ड फॉर द स्कॉलरशिप इफ दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अब जो डब्ल्यू एम की वैम की बात हो रही थी अब वैम क्या है वैम इन इज एन एवरेज मार्क दैट टेक्स इन टू अकाउंट द क्रेडिट पॉइंट्स वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट दैट यू हैव कम्प्लीटेड वो जो मैंने आपको कहा अगर आपने बेचुलर ऑफ नर्सिंग की है तो उसके आपका जो टोटल मार्क्स हैं उसके एट्टी परसेंट या आपने ट्वेल्थ किया तो उसमें मोर देन एट्टी परसेंट अब इसमें इन्होंने एक ई मेल एड्रेस भी दे रखा है दोस्तों साउथ एशिया अफ्रीका एट लाटरोप डॉट ई डी यू डॉट ए यू अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर ई मेल करके भी पूछ सकते हैं जो भी आपको लगता है जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं अब एक क्वेश्चन आता है किस किस कोर्स में मिल सकती है किस किस कोर्स में यू कैन गेट दिस स्कॉलरशिप तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैचुलर्स में काफी लंबी लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पर आपको कुछ नाम बता देता हूँ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग बैचुलर ऑफ एग्रीकल्चर बैचुलर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विद ऑनर्स Bachelor of Applied Science, Bachelor of Archaeology, Bachelor of Health Science, Bachelor of Medical Biomedical Science, Bachelor of Civil Engineering, Bachelor of Commerce, Computer Science, Criminology, Cybersecurity, Early Childhood and Primary Education, Education, Health Information Management, Health Science, Information Technology. काफ़ी हैं ऐसे जिसमें लॉ से भी रिलेटेड हैं नर्सिंग से भी जो भी नर्सिंग के कोर्सेज हैं फार्मेसी के हैं पोडाइट्रिस्ट के हैं काफ़ी ऐसे ऐसे कोर्स ये बैचुलर्स में हैं और मास्टर्स में भी काफ़ी हैं सिमिलर जो भी उनके वहाँ पे मास्टर्स के अवेलेबल हैं जैसे आर्कियोलॉजी हो गया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन केमिकल साइंस कंस्ट्रक्शन साइबर सिक्योरिटी नर्सिंग इंजीनियर हेल्थ इंफॉर्मेशन इंटरनेशन, इंटरनेशनल रिलेशन मास्टर ऑफ सोशल वर्क स्पोर्ट्स एंड एनालिटिक्स मास्टर ऑफ टीचिंग इन सभी में आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है सो गाइस इफ यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस आई वुड से यू टू ट्राई फॉर श्योर आप आपके एजेंट से मिल रहे हो तो कभी एजेंट से भी बात करा करो कि कहाँ किस में कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या पता कहाँ आपकी किस्मत खुल जाए एंड यू माइट गेट द स्कॉलरशिप सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देखो मेरा जो मेन मकसद इस वीडियो का था आप सभी को इंफॉर्मेशन देना था आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू शेयर इट विद अदर्स एज वेल अगर आपका कोई फ्रेंड है या आपके कोई रिलेटिव जा रहा है या ट्राई कर रहा है बाहर आने की तो एक बार शेयर करने में कुछ नहीं जाता क्या पता ही माइट बी द लकी वन और ये सिलेक्टेड होंगे कुछ लोगों को ही मिलेगी यू नो ऑलवेज दे कान्ट प्रोवाइड टू एवरी वन हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप आप भी समझ रहे हो बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करके बताओ अगर और कुछ आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो और बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों आपका क्वेश्चन जो जो आप मुझे भेजते हो और आपके मैसेजेस आते हैं उसका भी बहुत अच्छा लगता है देखकर और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो इंटरनेशनल नर्सेज़ इन ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी एट और दैट्स ऑल विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो बहुत बहुत नमस्कार